नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज को तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 30 जुलाई है, बृहस्पतिवार का दिन है और थर्सडे के दिन राहु काल का समय रहेगा 1:43 PM से लेकर के 3 PM तक का। इसी के साथ श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि यानी कि पुत्रता एकादशी रहेगी आज, जो रहेगी सुबह 11:49 तक का। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और साथ ही में अनुराधा नक्षत्र रहेगा जो सुबह 7:41 तक का रहेगा, उसके बाद ज्येष्ठ नक्षत्र लग जाएगा। तो चलिए बात करेंगे आप लोगों के लिए राशियों की, जानेंगे आज का दिन कैसा रहेगा। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि। आज निकल रहे हैं सेवन ऑफ पेंटाकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स। आज के दिन में व्यापार में वृद्धि हो सकती है, कारोबार में जो भी आप प्लानिंग्स कर रहे थे उसको एग्जीक्यूट आज के दिन में कर पाएंगे। सेहत संबंधी मुश्किलों को थोड़ा सा लापरवाही मत बरतिएगा, छोटी मोटी दिक्कतों को भी आप कोशिश कीजिएगा बहुत कंसर्न के साथ, आप प्रिकॉशंस के साथ हैंडल करेंगे तो बेहतर रहेगा। और साथ ही में आज कर्ज लेने की समस्याएं जो है वो खत्म हो सकती हैं, आर्थिक समस्याएं खत्म हो रही हैं। और किसी न किसी तरह की कोई नौकरी संबंधित अगर कोई मुश्किल चल रही थी, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड अगर कोई मुश्किल चल रही थी वो खत्म हो सकती है। आप लोगों को आज सबसे ज़्यादा अपने रिश्तों पर भी ध्यान रखना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। एक दूसरे के साथ वाद विवाद को जितना हो सके आज अवॉइड करें। छोटी छोटी बातों में आप किसी की कामकाज के बीच में, चाहे पर्सनल और प्रोफेशनल काम दोनों ही क्यों ना हो, आप लोग किसी के काम के बीच में दखल अंदाजी ना करें। आज के दिन का उपाय, क्योंकि पुत्रता एकादशी है तो आपको बता दूं पुत्रता एकादशी यानी कि संतान से संबंधित दिक्कतें भी खत्म होती हैं। आज के दिन में हो सके तो फास्टिंग जरूर करें अगर आपकी सेहत अलाउ करती है तो। इसके अलावा आज भगवान श्री कृष्ण को मखाने की खीर का भोग लगाना आज अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, 9 of Cups एंड 4 of Wands कार्य कर रहा है। आप लोगों के लिए आज पूरे दिन भर में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कोई भी कार्य करने की प्रेरणा आपको मिल सकती है। साथ ही में कारोबार में वृद्धि होगी, नए कामों की शुरुआत हो सकती है, नए किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो अपने खर्चों पर आज कंट्रोल जरूर कीजिएगा और साथ ही में आज के दिन में म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको लाभ हो सकता है। उपाय के रूप में आज तुलसी में दीपक संध्या काल के समय जलाएंगे और साथ ही में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके जीवन की समस्त मुश्किलें जो है वो खत्म होंगी। मिथुन राशि, एस ऑफ वॉन्स एंड 4 of Cups कार्ड निकल रहा है। मिथुन राशि वाले जो लोग काफी समय से जो चीजें सोच रहे हैं आप दिमाग में, क्लटर इकट्ठा हो गया है, उसको कोशिश कीजिए आप खत्म कर दें, बिकॉज दिस इज द टाइम आप ग्रो कर सकते हैं। दिस इज द टाइम जो कि आप जितना एफर्ट डालेंगे उतना ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो किसी का इंतजार मत कीजिए, किसी के बारे में और के बारे में किसी और के थॉट्स में आप इंडल्ज मत होइए। आज जरूरी है कि अपने आप पर फोकस करके, अपने काम पर फोकस करके आज जरूर आगे बढ़ें। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है, बिकॉज फोकस के साथ साथ आपके लिए विल पावर भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लॉ, मेडिकल लाइन या खासतौर पर सिविल सर्विसेज, इन सब एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत प्रोग्रेसिव हो सकता है। उपाय के रूप में आज कोशिश कीजिएगा भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ जरूर अर्पित करें, उन लोगों के लिए भी जिनकी शादी में विलंब हो रहा है और खास तौर पे आज जिनके संतान से संबंधित दिक्कतें हैं, आज भगवान विष्णु को या भगवान श्री कृष्ण, भगवान लड्डू गोपाल जी का जो स्वरूप है उन्हें दूध का या माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं कर्क राशि। काज में कर रहे हैं 7 of Cups एंड 8 of Pentacles, तो आज व्यापार का विस्तार हो सकता है आपके लिए। जितना आप एफर्ट डाल रहे थे अभी तक उसमें जो डिलेज आपको फेस करने पड़ रहे थे, जो रुकावटें आपको फेस करनी पड़ रही थी वो खत्म हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में तीव्रता आ सकती है, आपके काम में गति आ सकती है, मान सम्मान आपको मिलेगा, कुल मिलाकर दिन बेहतर है। आप लोगों के लिए आज के दिन का उपाय, नारायण कवच का पाठ करेंगे 3 बार, आपके लिए मुश्किलों से आपको छुटकारा मिलेगा। सिंह राशि, पेज ऑफ सोल्स एंड एस ऑफ कप्स कार्य कर रहा है। नहीं किसी रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, ऑलरेडी अगर किसी रिलेशनशिप में है तो उसे आप फॉर मैरिज आप प्लान अप कर सकते हैं, किसी को प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए। सिंह राशि वाले लोग थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करके चले, बिना किसी बात के किसी को कुछ कह नहीं दे, क्योंकि आपकी बातों में आज जो तीखापन है वो लोगों को बुरा लग सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप सोच समझ करके ही आज बातें कहिएगा। इसके अलावा अपने आप के काम के लिए प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम को अगर आप प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे तो हो सकता है चीज़ों में आपको बिखराव जो है वो नजर आए। आज इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जो ऑलरेडी चल रहा हुआ काम है उसमें आप एक्सपेंशन के बारे में जरूर सोचा जा सकता है। नई इन्वेस्टमेंट्स जो है अपने ऑलरेडी चलते हुए काम में, नए काम में नहीं चलते हुए काम में आप कर सकते हैं। छोटा सा उपाय आज के दिन का रहेगा, पीले रंग के वस्त्रों का आप इस्तेमाल जरूर करें और हो सके तो तुलसी का एक पत्ता शालिग्राम जी पर अर्पित जरूर करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप 100 बार करें। कन्या राशि, 3 of Wands एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्य कर रहा है। आप लोगों के लिए आज छोटी मोटी यात्राएं दिख रही हैं।
आज स्पिरिचुअलिज्म से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे कन्या राशि वाले लोग। व्यापार में थोड़ी बहुत एक नुकसान के बाद वाला जो कंपनसेशन पार्ट है वो आज के दिन में नज़र आ रहा है। खर्चों में कमी होगी, आज आय में वृद्धि हो सकती है, नई नौकरी मिलने का योग नज़र आ रहा है और रिश्तों में भी मिठास बढ़ेगी। आज के दिन का उपाय, आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ में पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी को लौंग अर्पित कीजिएगा अपनी मनोकामना बोल करके। तुला राशि, तो चैरियट एंड थ्री ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। अपने शत्रुओं से आज सावधान रहिएगा। बिलीव एंड ट्रस्ट, दीज आर टू थिंग्स जिसके ऊपर आज आपको काम करना है। अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा और अपने जो बहुत ज़्यादा क्लोज वंस हैं उनके साथ ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप जरूर मेंटेन कीजिएगा। तुला राशि वाले लोगों के लिए आज स्टेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो आपके काम को बिगाड़ने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, थोड़ा सतर्क रहेगा। आज के दिन में जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अकाउंटेंसी से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए काम में एक तरीके से प्रोत्साहन भी आपको मिलेगा और नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, नए किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। आर्थिक समस्याएं कुल मिलाकर हल हो रही हैं आप लोगों के लिए। उपाय आज इतना रहेगा, आपको सुबह उठ करके विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है। चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। फाइव ऑफ पेंटाकल्स एंड द जस्टिस कार्ड निकल रहा है आपके लिए। आज का दिन जो है वो हो सकता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। आप लोगों के लिए आज घर में जो छोटे बच्चे हैं उनसे जो रिश्ता है वो बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। उनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत बढ़ सकती हैं आज। किसी पुराने मित्र से मुलाकात नजर आ रही है, किसी से कुछ आइडियाज मिल सकते हैं आपके काम में विस्तार के लिए। और साथ ही में बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो आज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्लॉथिंग सेक्टर या ज्वेलरी सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए काम का जो एक बेटरमेंट है वो नजर आ रहा है, ग्रोथ नजर आ रही है। रिश्तों के लिहाज से आज थोड़ा बहुत वाद विवाद पर चुप्पी साधेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो बातें आप लोगों के लिए ज़्यादा बढ़ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए आज फोकस बढ़ेगा, माँ सरस्वती की आराधना कीजिएगा। ओम एम नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करें और साथ ही में आज रिश्तों में मिठास के लिए राधा कृष्ण की उपासना जरूर करें। धनु राशि, टेन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। नए किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं धनु राशि वाले लोग और खासतौर पे आज अपने नेम फेम को बढ़ाने के लिए उस पर वर्किंग हो सकती है। ट्रैवलिंग से आज काफी हद तक काम आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। ट्रैवलिंग आपके लिए कारोबार में भी विस्तार लेकर के आएगी और आपके लिए खासतौर पर आपकी आर्थिक समस्याओं को भी खत्म कर सकती है। तो छोटी यात्राएं जो है वो करने के लिए आप प्लान आउट कर सकते हैं आज के दिन में। आर्थिक समस्याएं जो है वो खत्म हो सकती हैं, नई किसी नौकरी की शुरुआत हो सकती है। आय और व्यय में एक समानता जो है वो नजर आ रही है आप लोगों के लिए। आज के दिन का उपाय रहेगा सुबह उठ करके आप लोग विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेंगे, साथ ही में तुलसी की माला धारण करना आपके लिए बेहतर है। मकर राशि, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ वांड्स कार्ड निकल रहा है। आज जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को लाभ हो सकता है। कोशिश करनी चाहिए आप लोग अपनी बातों को अपने मन में नहीं रखें। आज इनोसेंस का लोग फायदा उठा सकते हैं, तो उसे थोड़ा सा ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो कि आपको गलत एडवाइस करते हैं, आपसे एक नेगेटिव बॉन्डिंग जो है वो रखते हैं या फिर आपके मुंह पर बहुत ज्यादा मीठे रहते हैं। तो इस तरीके से ऐसे लोगों से आज थोड़ा सा सतर्क रहना है। नेगेटिव पॉजिटिव में फर्क समझिएगा जरूर। कोर्ट कचहरी के मामलों में अभी आपको और डिले सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको आज कानून से संबंधित किसी भी काम में पड़ना नहीं है, किसी भी ऐसे प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है। तो जरूरी है कि कानूनी जो गतिविधियां हैं उसको ध्यान में रखकर के चलेगा। आज के दिन का उपाय, मकर राशि वाले लोग शमी के वृक्ष में दीपक जरूर जलाएंगे और साथ ही में संध्या काल के समय जलाएगा और साथ ही में गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा है। कुंभ राशि, द टेम्पल्स इन द सन कार्ड निकल रहा है। कन्फ्यूजन खत्म हो सकते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए और नई बिगिनिंग्स दिखाई दे रही हैं, नए किसी काम की शुरुआत हो सकती है। आज ज्यादा समय जो है हो सकता है आप लोग आउटडोर्स में बिताएं, लेकिन उसके बावजूद भी काम में स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। नए किसी घर की शिफ्टिंग या इस तरह की चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर आज निवेश करने के लिए समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है और कारोबार में विस्तार के लिए समय अच्छा है। रिश्तों के प्रति थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा कि आप लोग किसी से कुछ कहते समय आप गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर दें, खान पीन में लापरवाही नहीं बरतनी है। उपाय के रूप में आज का दिन जो है भगवान विष्णु को आप लोग कोशिश कीजिएगा सुबह उठ करके केसर जरूर अर्पित करें और रिश्तों में मिठास के लिए आज भगवान विष्णु को शहद अर्पित करना, शहद का भोग लगाना अच्छा रहेगा। मीन राशि, फाइव ऑफ सॉर्ड्स एज ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। आज जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो सकती हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। पुराने वाद विवाद आप रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नए किसी काम की शुरुआत करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को जरूर समझ लीजिए। तो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उसकी हर चीज़ को, सही और गलत चीज़ों को, उन पैरामीटर्स को सोच समझ कर
आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। किसी के साथ बहुत ज़्यादा मिठास जो है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा एक क्लोजनेस जो है, वो आपके लिए रिश्तों में कहीं ना कहीं पे एक ऐसा एक्सपेक्टेशन वाला समय लेकर के आ सकती है जिसमें कि अल्टीमेटली आपको दुख ज़रूर होगा। तो ज़रूरी है कि आप उस स्टेबिलिटी को ज़रूर समझें और अपने रिलेशनशिप्स के अंदर एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें। मीन राशि वाले लोग आज कोशिश कीजिएगा अपनी सेहत का ध्यान रखें और मानसिक तनाव को खत्म कर दीजिए। नमक के पानी से स्नान करेंगे और साथ ही में भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। पुत्रदा एकादशी की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिए। जागरूक लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।